देखिए, रुबेला और मीसल्स के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश भर में चलाई जा रही है, उसके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां तैयार की गई थी। जानबूझकर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का एक वहम तैयार किया गया था कि नहीं, ये वैक्सीनेशन लेने के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी डिटेल जानकारी हमने हासिल की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, क्यों करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ औरंगाबाद के जितने भी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, खासतौर से जो पेडियाट्रिशियंस हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है, और वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इंजेक्शन देना चाहिए और ये इंजेक्शन की वजह से मीजल्स रुबेला ये बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो सकती है, तो मेरे हिसाब से इस मिशन के अंदर हम लोगों ने भी साथ देना चाहिए। यहाँ पर इसी के ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई थी और हमने ये तय किया है कि जो स्कूल्स के अंदर कम परसेंटेज में बच्चों ने एक डर की खातिर और एक वहम की खातिर इंजेक्शन नहीं लिए हैं, उन स्कूल्स के अंदर हम पर्सनली जाएंगे फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन सुबह 11 बजे शागंज के जाकिर हुसैन स्कूल के अंदर ये इंजेक्शन का जो ड्राइव रहेगा, हम पर्सनली यहाँ पर रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, उन तमाम कॉरपोरेटर्स को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी ये ड्राइव किसी स्कूल के अंदर चल रही है, आप पर्सनली वहाँ पर मौजूद रहिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को कहेंगे कि वहाँ के जो लोकल पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं, अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो यकीनन इस मिशन के अंदर हम सबको मिलकर कामयाबी मिलेगी। तो अपील करते हैं आप लोगों से, नेचुरली मतलब ये मीटिंग का मकसद ये था, ये मीटिंग का मकसद यही था कि मतलब आपके अंदर अगर कोई वहम था, कोई डर था, कोई खौफ था, तो वो बिल्कुल हटा दीजिएगा। अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की खातिर ये इंजेक्शन ज़रूरी है और पूरे मुल्क से अगर ये बीमारी को हटाना है तो आप भी इसमें शामिल होइए, अपने बच्चे की हिफाजत करिए, पूरे मुल्क की हिफाजत करिए। यहाँ पर आज अम्बेडकर भवन में औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और महापौर साहब और सेंट्रल एरिया के MLA जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम कॉरपोरेटर्स की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुजीब साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे भी एज ए मेहमान पीडियाट्रिशियन यहाँ बुलाया गया था। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये अपडेट किया है कि ये वैक्सीन का प्रोग्राम जो है वो किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन मीज़ल्स और रुबेला का वैक्सीन है, इसको छोटे बच्चों को देना नहायत ही ज़रूरी है और जो बच्चे 9 महीने से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को ये वैक्सीन दिलाया जाए। ये एज ए पीडियाट्रिशियन मेरी आप सबसे अपील है। हम जितने लोग यहाँ मौजूद थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे, उन्होंने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब भी लिए हैं, हमने उनके जवाब भी दिए हैं और आप सबसे भी मेरा इस औरंगाबाद अपडेट चैनल के माध्यम से आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि तमाम बच्चों को, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तमाम बच्चों को मेहरबानी करके अपने अपने स्कूल्स में और पहले स्टेज में और सेकंड स्टेज में सब लोग 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।